बाहर से आपको एक रेगुलर मॉडिफाइड टाइप 4 इनोवा लग रही होगी, बट ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। काफ़ी सारे आपने वीडियोस देखे रहेंगे जिसमें लोग कहते हैं कि लग्जरी इंटीरियर, लाउंज इंटीरियर, वैसे टर्म्स यूज़ होते हैं, बट इस गाड़ी में जब आप देखेंगे इंटीरियर तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली लग्जरी या लाउंज इंटीरियर क्या होता है। वो इस गाड़ी का इंटीरियर में आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें हमने यही वो गाड़ी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो अभी आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, गाड़ी जस्ट हमारे पास आई है, यूज़ में नहीं थी, उन्होंने वही बोला था कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी आपके पास ही पूरा कस्टमाइज़ करना है। तो फ्रंट बम्पर हो गया, हेडलाइट हो गया, ग्रिल है, ये सारी चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड पार्ट्स है वो तो हम चेंज करेंगे। बाहर से हम इसको एक स्टैंडर्ड टाइप 4 में बनाने वाले हैं, अलॉय इसको पेंट करेंगे। हेडलाइट टेल लाइट जो होगी वो आफ्टर मार्केट की होगी, हेडलाइट प्रोजेक्टर विद DRL, टेल लाइट जो होगी वो LED वाली होगी, और उसके साथ साथ पूरी गाड़ी को पेंट करेंगे ताकि एक शोरूम कंडीशन में लगेगी। मेन चीज़ जो मैंने आपको कहा था इंटीरियर का, तो अभी आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइप 4 में जैसा इंटीरियर आता था वैसा इंटीरियर है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, खाली एक टच स्क्रीन है जो इसमें ऐड किया हुआ है, बाकी एज इट इज़। बीच की भी आप सीट्स देख सकते हैं, रेगुलर कैप्टन सीट्स है, वैसे ही रखी हुई है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं पे भी कुछ किया हुआ नहीं है। अभी हम इसका पूरा काम फिर से करेंगे, इसमें कंप्लीट लाउंज इंटीरियर नहीं होने वाला है, बट हाँ हम इसमें रिक्लाइनर करेंगे, प्लस हमारा जो इंटीरियर का कस्टमाइजेशन का स्टैंडर्ड पैकेज है वो काम करने वाला है। तो यही गाड़ी है, देखते हैं अभी इसमें कैसे काम होता है और एंड में कैसे लगती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो राउंडर्स। और आज जो आप गाड़ी देख रहे हैं, बाहर से आपको एक रेगुलर मॉडिफाइड टाइप 4 इनोवा लग रही होगी, बट ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। काफ़ी सारे आपने वीडियोस देखे रहेंगे जिसमें लोग कहते हैं कि लग्जरी इंटीरियर, लाउंज इंटीरियर, वैसे टर्म्स यूज़ होते हैं, बट इस गाड़ी में जब आप देखेंगे इंटीरियर तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली लग्जरी या लाउंज इंटीरियर क्या होता है। वो इस गाड़ी का इंटीरियर में आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें हमने रिक्लाइनर इंटीरियर्स किया हुआ है, 2 रिक्लाइनर्स चेयर्स वी हैव इंस्टॉल। तो पूरा इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले मैं आपको एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। गाड़ी ऑलरेडी टाइप 4 थी, बट उसमें जो जो पार्ट्स डैमेज थे वो हमने रिप्लेस किए, क्रोम पार्ट्स हमने ब्रांड न्यू डाले। इसमें हेडलाइट देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है विद सिक्वेंशियल DRL, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स है LED वाले, जो 3-in-1 आते हैं, लो बीम, हाई बीम, और 3 कलर्स में वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो पूरी गाड़ी को हमने पेंट भी किया है इन द सेम कलर एज ओरिजिनल, सो देर इज़ नो कलर चेंज। प्लस अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं, हमने इसमें काफ़ी स्पोर्टी अलॉय व्हील्स भी डाले हुए हैं। सो फुल कार हैज़ बीन पेंटेड इन पेंट बूथ मशीन यूजिंग जर्मन पेंट मटेरियल एज यूजुअल व्हाट वी डू इन ऑटो राउंडर्स। बट इस कार में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो इसका इंटीरियर है, सो लेट मी शो यू द इंटीरियर ऑफ दिस कार।
सो गाइज, ये है जिसको आप लग्जरी या लाउज इंटीरियर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिक्लाइनर्स है और ये पूरा कस्टम मेड किया हुआ है हमारे वर्कशॉप ऑटो राउंडर्स में। सो जस्ट लुक एट दिस, मतलब आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा लग्जरी कोई गाड़ी में मिलती होगी, क्योंकि ये इसका रिक्लाइन भी पूरा एंड तक जाता है। उसके जितने भी फंक्शंस है वो यहाँ पे है। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। तो इसमें बटन्स है विच इज़ वेरी लाइक यू नो, उसको वीडियो में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत छोटे बटन्स है, बट आई विल ऑपरेट इट एंड आई विल शो इट टू यू। तो ये जो बटन है इससे चेयर पीछे जा रही है, आप देख सकते हैं। प्लस मुझे अगर इसको रिक्लाइन करना है तो वो भी इसमें अवेलेबल है। एंड दिस रिक्लाइन इज़ एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिक्लाइन होता है, तो आप लिटरली इसमें सो सकते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस, इट्स स्टिल गोइंग। मतलब ऑलमोस्ट पूरा बेड बन चुका है, आप देख सकते हैं कि मेरे को उठने में कितना टाइम लग रहा है। दैट्स बिकॉज ये बहुत पीछे जा रहा है। सो मैं आपको ये वाली चेयर पे भी करके दिखा देता हूँ। सो लुक एट दिस, सो दिस इज द एक्सटेंट टू विच इट रिक्लाइंस। प्लस आप इसको भी सीधा कर सकते हैं तो आपको प्रॉपर एक बेड जैसा फीलिंग आएगा और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। सो इन दिस यू कैन ईजीली स्लीप वाइल टेकिंग इट आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। और बेसिकली जो बिजनेस ओरिएंटेड जो लोग हैं, जिनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अलग अलग जगह पे, जिनके बिजनेस है, या इवन फॉर पीपल हु आर विद इन सिटी बट उनका एक तरफ का ट्रैवल भी इतना है कि पूरा टाइम ट्रैफिक में बैठना पड़ता है, जैसे मुंबई, बैंगलोर या कोई भी आप सिटी ले लो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और ये पूरा काम हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है एज़ पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक प्रॉपर बड़ा टच स्क्रीन भी दिया हुआ है। सो दिस इज़ एन एंड्रॉयड ऐप, तो यू कैन यूज़ दिस वाइल यू आर स्लीपिंग इन द कार। आप आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, जो आपको करना है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस इसमें जो थीम यूज़ की है वो हमने हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ की हुई है। अगर आपको अलग थीम में चाहिए तो वो भी हम बना के दे सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू सी इनसाइड द कार इज़ कस्टमाइजेबल एज़ पर योर चॉइस। तो ये कार में हमने जो थीम डिसाइड किया था वो यही था कि थोड़ा लाइट रखेंगे, बिकॉज कस्टमर वांटेड कि भाई अंदर से एयरी फील होना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं बनाना था, तो उस हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द कार इज़ नाउ लुकिंग ब्रांड न्यू। इसमें आप देखेंगे तो एक छोटा सा फ्रिज भी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल टाइम। एंड फ्रंट में भी हमने स्क्रीन दी है, तो अगर ड्राइवर या को पैसेंजर को कुछ देखना है तो वो देख सकता है। पीछे जो बैठे हैं उनके लिए एक बड़ी स्क्रीन दी है, तो यहाँ से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इंटीरियर इज़ वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट इसके फंक्शंस भी सब परफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ रिक्लाइन, या ये आप बोलेंगे जो भी चीज़ आप बोलोगे सब परफेक्टली चल रहा है। और ये जो काम है इसमें टाइम लगता है, तो अगर आपको इस टाइप का कुछ भी कराना है तो थोड़ा हमको टाइम भी देना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर ऑल्सो वर्किंग इन वन इनोवा क्रिस्टा, सेम एग्जैक्टली यही रिक्लाइनर्स उसमें भी इंस्टॉल हो रहे हैं। प्लस हमने हमारे दो ऑलरेडी गाड़ियों में किया हुआ है, MG की ग्लॉस्टर है, उसके भी हम क्लिप्स आपको इस वीडियो में ऐड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं, उसको भी हमने पूरा किया था। उसमें जो थीम था और जो पैकेज था वो अलग था, क्योंकि उसमें हमने बीच में से पार्टीशन भी दिया हुआ है, उसमें टीवी है, टीवी भी जो है वो रोलिंग टीवी है, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो हमारे पास दो टाइप के पैकेज आपको मिलेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग सिंपल लाइक दिस, तो वो काफ़ी इकोनॉमिकल पैकेज होता है, जो आप कोई भी गाड़ी में हमारे पास से करा सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट हैज़ इनफ स्पेस फॉर अस टू इंस्टॉल द रिक्लाइनर्स। एंड द सेकेंड वन इज़ द कम्प्लीट लाउंज, जिसके अंदर आपको टीवी भी मिलेगा, पार्टीशन भी मिलेगा, आपको प्रॉपर प्राइवेसी मिल सकती है, वो भी हम कर सकते हैं, तो उस जो हमने ग्लॉस्टर में किया हुआ है। तो अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी बड़ी गाड़ी है, SUV है, एंड यू वांट टू मेक इट एज पर योर चॉइस, और आपको चाहिए कि नहीं मुझे कुछ अलग चाहिए, हटके बनाना है, थोड़ा और कंफर्ट चाहिए, एंड यू हैव इनफ लाइक यू नो, आपके पास गाड़ी दूसरी होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी फिर आपकी पर्सनल हो जाएगी, फ्रॉम 7-सीटर इट विल बिकम अ 4-सीटर कार। और कुछ चीज़ें हैं जो पीछे मुझे आपको दिखानी है कि अगर ये रिक्लाइन हो जाता है तो पीछे कितनी जगह बचती है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि इसके बाद स्टोरेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। सो जब आप रिक्लाइनर को यूज़ नहीं करेंगे तो आप पूरी डिक्की एज इट इज़ यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जगह है तो आप स्टोरेज बहुत कुछ रख सकते हैं। बट ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, और ये कोई भी जनरली इस वीडियो में नहीं दिखाते हैं कि पीछे डिक्की में कितनी जगह बचती है अगर आप रिक्लाइनर डालेंगे तो
तो रिक्लाइनर इफ़ यू आर नॉट यूजिंग तो यू हैव इनफ स्पेस, बट नाउ लेट्स सी कि इफ यू आर यूजिंग द रिक्लाइनर टू द फुल एक्सटेंट कि पूरा आपने रिक्लाइन कर दिया पूरा पीछे आगे तो कितनी जगह बचती है वो भी देखते हैं। सो कुणाल एक बार सीट को पूरा पीछे ले लो। सो नाउ वी आर टेकिंग इट फर्स्ट, जितना हो सकता है उतना पीछे लेते हैं, उसके बाद इसको रिक्लाइन करते हैं। सो इनफैक्ट जितना ज़्यादा रिक्लाइन होगा उतना ही आप कंफर्टेबली सो भी सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि दोनों सीट को अगर मैं रिक्लाइन भी कर दूँ तो यहाँ पे इतनी जगह है, इसको भी रिक्लाइन कर दो। सो अब आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कितनी जगह है। तो ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि भाई अगर हमने रिक्लाइनर्स डाल दिए तो पीछे स्टोरेज ही नहीं रहेगा। इनफैक्ट इसके नीचे आप प्रॉपरली स्टोरेज रख सकते हैं, दो छोटे सूटकेस या बैग्स, वॉट एवर एज पर योर कम्फर्ट, यू हैव इनफ प्लेस टू स्टोर इवन इन द डिक्की। तो इस टाइप का एक्सप्लेनेशन हमने इसीलिए दिया क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक कि आपने कुछ कर लिया और उसके बाद आपको लगे यार ये तो पूरा वेस्ट हो गया। सो वी नेवर वॉन्टेड कि कोई भी कस्टमर इतना खर्चा करे और उसके बाद उनको लगे यार कि हमारा पर्पज़ इसको लॉन्ग टूर में लेके जाएंगे और अगर सामान रखने की जगह ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं है, देर इज़ इनफ स्पेस फॉर यू टू कीप योर स्टोरेज ओवर हियर ऑल्सो। सो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी हमने रेडियो के साथ मैच की हुई है। सो नाउ व्हेन यू विल सी दिस, आपका कार का जो साउंड सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो जितना अच्छा आपका गाड़ी का साउंड सिस्टम है उतना ही अच्छा आपको इसका आउटपुट भी मिलेगा। सो इफ़ यू हैव किड्स एंड ऑल दैट वॉन्ट्स टू सिट हियर एंजॉय द मूवीज़, या आप ऑफिस जा रहे हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो मूवीज़ देखिए, शो देखिए, जो भी देखना है आपको देख सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा लग्जरी आपको कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। और ये इनोवा में तो हम स्पेसिफिकली हमेशा रिकमेंड इसके लिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है। तो आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा करते तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे कम से कम 7-8 साल तक। सो वी ऑलवेज रिकमेंड एनी ऑफ द जैपनीज कार, बी टोयोटा की इनोवा हो, क्रिस्टा हो, फॉर्चुनर हो, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। अगर आपको ऐसा कुछ कराना है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। दैट्स इट गाइस। तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर, लाउंज इंटीरियर का पूरा डिटेल वीडियो था। अगर आपको कभी कुछ ऐसा कराना हो तो आप हमारे तीनों ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुंबई का नंबर 7666-930-930 है, हैदराबाद इज 7666-830-830, पुणे इज 9206-630-630। वी ऑल्सो हैव वन मोर नंबर 8425-808080। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या हम इस इंटीरियर को लाउंज इंटीरियर बुला सकते हैं या नहीं, या आप जो रेगुलर आजकल देखते हैं इंटरनेट पर लोग डालते हैं लाउंज इंटीरियर, जबकि उसमें कोई रिक्लाइनर जैसा कुछ होता नहीं है। सो उस पर आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे तो है अच्छा यार, ऐसे जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सो सकते हैं आराम से आदमी। बट इसका आदत पड़ जाएगा तो फिर दूसरा गाड़ी पसंद नहीं आएगा। सही है।